साहब सुबह सवेरे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह सवेरे देखने वालों को मेरा नमस्कार। मुकुल, परसों होली है तो इसलिए बातचीत का सिलसिला हम रंगों की बातों से ही शुरू करते हैं। ये बताइए कि आपका अपना लकी रंग कौन सा है? ब्लैक इज माय लकी कलर। मुकुल, रंगों के साथ साथ प्यार की भी बात करते हैं। प्यार के साथ आप किस रंग को एसोसिएट करते हैं? वेरी टफ। ओके, रेडिश, पिंकिश, थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा गुलाबी, थोड़ा सा हरा भी, जैसे होली उस किस्म का। मुकुल, एक पर्सनल सवाल, आजकल क्या आप होली खेलते हैं, क्या आप होली मनाते हैं? होली सेलिब्रेट करते हैं और वो थाली आती है एज़ यूजुअल, जिसमें सब रंग होते हैं और उसमें पीला, लाल, हरा, नीला, ये सारे रंग होते हैं। और वो जो दूसरे वाले होते हैं, पानी वाले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो रंग, वो बहुत ही अजीब होते हैं क्योंकि उसमें फिर उसके बाद धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले जब हम पहले होली खेला करते थे स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, तो उस किस्म के रंग बहुत लगाते थे लोग, और कई फिर उसमें पानी वाले रंग में कई लोग पेंट मिला देते हैं, वो भी मुँह पर डाल देते हैं, तो उसमें फिर मुँह पर केरोसिन वगैरह बननी पड़ती है निकालने के लिए। बट मुझे सूखे रंग बड़े अच्छे लगते हैं होली के, और ख़ासकर लगाने में भी नहीं बल्कि अगर उछालने में भी, जब भी नज़र आते हैं, इधर उधर पड़े हुए भी नज़र आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको फिल्मों में सबसे कलरफुल रंगीन गाना कौन सा लगता है? सबसे कलरफुल गाना मुझे लगता है, एक फिल्म है उसका नाम, मैं नाम फिल्म का नहीं जानता हूँ, उसका काजोल है उस गाने में, और हाँ उस फिल्म का नाम है दुनिया दिल वालों की, आई थिंक दुनिया दिल वालों की, जिसमें वो गाना है कोयल की कुकू कुहू कुहू पपीहे की पीहू पीहू, वो वाला गाना। बिल्कुल, अगर आपको टीवी और मॉडलिंग दोबारा करने का मौका मिले और कहा जाए तो क्या आप करना पसंद करेंगे? मॉडलिंग तो डेफिनेटली मैं करूँगा और कर भी रहा हूँ, 3-4 एड्स किए मैंने रिसेंटली। टेलीविजन सीरियल्स ऑल्दो आई वुड लव टू डू इट, मैं बहुत, मेरा मन करता है टेलीविजन सीरियल्स करने का, खास करके जब मैं कुछ कॉमेडी सीरियल्स देखता हूँ टेलीविजन पे। लेकिन उसमें अभी कुछ ऐसा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पैरामीटर्स और कुछ इस किस्म के रूल्स प्रीवेल करते हैं कि खासकर कि मेरे जैसा एक्टर जो कि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डाउनहिल पे हो, उसकी फिल्में नहीं चल रही हो, और ऐसे स्टेज पे वो टेलीविजन सीरियल्स कर ले, तो उसको एक बहुत ही डिफरेंट और नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ऑल्दो आई वुड लव टू बी अमंग्स पीपल हु वुड से कि यार एक एक्टर है, वो फिल्में भी करता है, टेलीविजन सीरियल्स भी कर सकता है, थिएटर भी कर सकता है, पर फॉर सम रीज़न यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, लोग वैसे सोचते नहीं हैं। मुझे लगता है कि इसकी फिल्में नहीं चली हैं तो ये टेलीविजन सीरियल करेगा। सो दैट्स द ओनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही एक चीज़ है जो जिससे मैं थोड़ा डरता हूँ और कतराता हूँ। मुकुल, अब आपकी फिल्मों की बात करते हैं, तो अपनी फिल्मों में आपको अपना सबसे अच्छा सीन कौन सा लगता है? मेरे ऑल टाइम फेवरेट परफॉर्मेंसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं बल्कि, बिगिनिंग फ्रॉम बेन किंग्सले इन महात्मा गांधी, एल्पचिनो इन स्काफेस, नसीरुद्दीन शाह इन कथा, नसीरुद्दीन शाह इन स्पर्श, मासूम, जाने भी दो यारों, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुकुल, आजकल जिस फिल्म की शूटिंग आप कर रहे हैं उसकी कहानी क्या है? इस फिल्म का टाइटल है मुझे मेरी बीवी से बचाओ, पहले इसका टाइटल था तुमसे अच्छा कौन है, लेकिन उसको बदल दिया, और ये कॉमेडी फिल्म है, आउट एंड आउट कॉमेडी है, शुरू से लेके आखिरी सीन तक आपको कॉमेडी कॉमेडी हंसने को ही मिलेगा, इसमें कोई सीरियस एलिमेंट नहीं है, कुछ इमोशनल एलिमेंट नहीं है, प्योर कॉमेडी। मुकुल, आपने सुबह सवेरे में हमसे बातचीत की, इतने दिनों से हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम की तरफ से होली मुबारक। सुबह सवेरे पर मुझे स्टार ऑफ द वीक बनाया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।